हेलो टू ऑल ऑफ यू। आज हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं हमारा एबनॉर्मल मोलर मासेस का, और ये टॉपिक हमारा लास्ट टॉपिक है सॉल्यूशन चैप्टर का। सॉल्यूशन चैप्टर हमारा इसके बाद फिनिश हो जाएगा। ये टॉपिक जो है, ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लेकिन न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। अब उसका रीज़न क्या है कि इस टॉपिक को मैं इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ, ये चीज़ समझने के लिए आपको पहले थोड़ा सा समझना पड़ेगा कंसेप्ट हमारा क्या है। जैसे हमने लास्ट लेक्चर्स के अंदर हमारी चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ जो हैं डिस्कस कर ली हैं। पहली प्रॉपर्टी थी हमारी रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की, दूसरी प्रॉपर्टी थी हमारी ओस्मोटिक प्रेशर की, तीसरी प्रॉपर्टी थी हमारी एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट की, और फोर्थ प्रॉपर्टी थी हमारी डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट की। अगर आप नोट करो तो वो सभी प्रॉपर्टीज़ के अंदर हम क्या करते हैं, उन सभी प्रॉपर्टीज़ की एक मेन एप्लीकेशन जो हम लेके चलते हैं, वो लेके चलते हैं कि इन प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से हम हमारे सॉल्यूट का मॉलिकुलर वेट जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर आप ध्यान दो, जो हमने ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी थी उन सब्सटेंसेस के लिए जो सब्सटेंसेस हमारे नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, डिसोसिएशन शो नहीं करते, ठीक है ना। क्योंकि देखो, अगर आप इलेक्ट्रोलाइट ले लोगे या सॉल्ट ले लोगे जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में डिसोसिएट हो जाती हैं, तो कोई भी मॉलिक्यूल है अगर वो अपने एक्वस सॉल्यूशन में डिसोसिएट होगा तो वो क्या करेगा, आयंस प्रोड्यूस करेगा। अगर हमारा मॉलिक्यूल आयंस प्रोड्यूस करेगा तो वहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो होंगे वो ज़्यादा हो जाएंगे। अब देखो, कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारी डिपेंड करती है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे। अगर मेरा सब्सटेंस जो है वो डिसोसिएशन में चला गया, डिसोसिएशन में जाने की वजह से नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे, जिसकी वजह से नंबर ऑफ पार्टिकल जो है वो टोटल हमारे इंक्रीज हो जाएंगे सॉल्यूशन में। और अगर हमारे सॉल्यूशन के अंदर टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हैं सॉल्यूट के वो इंक्रीज हो गए, तो हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो ये हमें एक चीज़ देखने के लिए मिली, जितने भी हमारे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं या उनके जो भी रिलेशंस हम यूज़ करते हैं, उन रिलेशंस को अगर हम नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस पे अप्लाई करते हैं तो हमें रिजल्ट थोड़े से एक्यूरेट मिलते हैं, लेकिन जितने भी सॉल्यूशन हमारे इलेक्ट्रोलाइटिक होते हैं या जितने भी हमारे पास एक्वस सॉल्यूशन होते हैं सॉल्ट्स के, जिनके अंदर एसोसिएशन या डिसोसिएशन हो सकती है, तो चाहे एसोसिएशन हो चाहे डिसोसिएशन हो, हमारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो होते हैं वो चेंज हो जाएंगे। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होती है वो हमारी अमाउंट पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती है। तो अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट में कोई ना कोई चेंज आपको मिलेगा, तो डेफिनेटली वहाँ पर फिर आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में भी चेंज मिलेगा ही मिलेगा। अब आप चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में से कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी देख सकते हो, सभी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के अंदर जो मॉलिक्यूलर मास होता है सॉल्यूट का, वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के रिस्पेक्ट में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जो है वो आ रहा होता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको बताऊं, जैसे हमारे पास हमारी रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का रिलेशन था, हमारे पास हमारा रिलेशन था रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के लिए पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट हमारे पास क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अगर मैं N2 की वैल्यू पुट करूं जो होगी W2 बाय M2, तो आप देख सकते हो कि जो हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, मतलब रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सेम अगर आपको बताऊं, हमारे पास हमारी ओस्मोटिक प्रेशर की प्रॉपर्टी थी, वो थी हमारी पाई इज इक्वल टू CRT। सी हमारी कंसंट्रेशन थी जो थी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्वड इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, और ये N2 हमारे पास होता है वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो, जो हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ओस्मोटिक प्रेशर की, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ जाती है हमारे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सॉल्यूट के। तो देखो, जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सॉल्यूट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। अगर हमारा सॉल्यूट एसोसिएशन या डिसोसिएशन में चला गया, तो वहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स चेंज हो रहे हैं, जिसकी वजह से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज हो रही है। और अगर हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, इसका मतलब हमारे सब्सटेंसेस का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो भी क्या आएगा, चेंज्ड आएगा। चेंज्ड आने से मेरा मतलब यहाँ पे ये है कि जो भी हमारा करेक्ट मॉलिक्यूलर वेट आना चाहिए वो हमें नहीं मिलेगा,
जो वैल्यूज़ हम एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व करेंगे और जो वैल्यूज़ हमने इन फॉर्मूलाज से थ्योरेटिकली प्रेडिक्ट की होगी, दोनों वैल्यूज़ के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा होगा। तो उसी मोलर मास को फिर हम बोलते हैं एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास या एबनॉर्मल मोलर मास। तो एबनॉर्मल मोलर मास का कंसेप्ट हमारे पास कैसे आया? जब हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को पढ़ना शुरू किया नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के लिए, यानी कि जो सॉल्यूशंस हमारे डाइल्यूट नहीं होंगे, या उन सॉल्यूशंस के लिए जो सॉल्यूशंस हमारे इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करती हैं, जो हमारे सॉल्यूशन बनाने पे आयंस की डिसोसिएशन या एसोसिएशन शो कर सकती हैं। तो ऐसे जितने भी हमारे सॉल्यूशंस थे जिनके अंदर एसोसिएशन डिसोसिएशन हो सकती है, उसमें हमारे नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स जो हैं वो वेरी करते हैं, और नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स अगर वेरी करेंगे तो हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी वेरी करेगी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वेरी करेगी तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तो मॉलिक्यूलर मासेस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वेरी कर रही है तो हमारे सब्सटेंसेस का जो मॉलिक्यूलर मास होगा स्पेशली सॉल्यूट का, वो भी वेरी करेगा। जो वैल्यू हमने इन फॉर्मूला से निकाली होगी हमारे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट की, वो वैल्यू के अंदर हमें बहुत सारे एरर जो हैं वो देखने के लिए मिल सकते हैं। तो ये हमारा एबनॉर्मल मोलर मासेस का कंसेप्ट है। मैं इसको फटाफट एक बार रीड आउट कर देता हूँ। द वेरियस रिलेशंस डिराइव्ड अबव फॉर द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर एप्लीकेबल ओनली टू द सॉल्यूशंस ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स व्हिच डू नॉट अंडरगो एनी डिसोसिएशन और एसोसिएशन इन द सॉल्यूशन। जो भी हमारे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के फॉर्मूलाज हैं वो किसके लिए ज़्यादा डिपेंडेंट है, किस पे ज़्यादा एप्लीकेबल हैं? उन सॉल्यूशंस के लिए जो नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक होते हैं, मतलब जिनमें एसोसिएशन डिसोसिएशन नहीं होती। इन केस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स और सॉल्ट्स व्हिच डिसोसिएट्स कंप्लीटली और टू स्मॉलर एक्सटेंट इन द सॉल्यूशन, द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द सॉल्यूशन इंक्रीजेस एज द वैल्यू ऑफ एनी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। देयरफॉर द एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कम्स आउट टू बी हायर देन द थ्योरेटिकली एक्सपेक्टेड वैल्यू। क्योंकि मैंने बताया कि जो हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो चेंज हो जाती हैं एसोसिएशन या डिसोसिएशन पे, तो हमारे पास जो हमारी कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आती है वो ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से ज़्यादा आएगी। फर्दर एज मॉलिक्यूलर मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, देयरफॉर द ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास कम्स आउट लेस देन द थ्योरेटिकली एक्सपेक्टेड वैल्यू। इसलिए हमारे मॉलिक्यूलर मास में भी दिक्कत आ रही है। जो मॉलिक्यूलर मास की वैल्यू हम थ्योरेटिकली प्रेडिक्ट कर रहे हैं, एक्चुअल में हमारे मॉलिक्यूलर मास की वैल्यू जो है उससे काफ़ी कम आएगी। देन द सब्सटेंस इज सेड टू शो एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। तो ये हमारे पास हमारी थ्योरी थी। फिर अब देखो, हमारे पास एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास आ रहा है, मतलब हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में दिक्कत आ रही है। अगर सॉल्यूशन हमारा जो है वो इलेक्ट्रोलाइटिक होता है, यानी कि जो डिसोसिएशन और एसोसिएशन शो कर सकता है, तो हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में जो आंसर सही नहीं आ रहे, उन आंसर्स को करेक्ट करने के लिए, मतलब हमारी इक्वेशंस को सही करने के लिए, हमने एक फैक्टर वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया, और उस फैक्टर को हम बोलते हैं वेंट हॉफ फैक्टर। तो वो वेंट हॉफ फैक्टर हमारे पास देखो क्या है। वेंट हॉफ फैक्टर को हम डिनोट करते हैं आई से, जिसको हम डिफाइन करते हैं ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय द नॉर्मल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। मैं इसको याद रखने के लिए करता हूँ, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में आएगा ऑन, ओ फॉर ऑब्जर्व्ड, एन फॉर नॉर्मल, और जब मैं वेंट ऑफ फैक्टर को मॉलिक्यूलर मासेस के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करूँगा या डिफाइन करूँगा, तब मुझे यहाँ पे ऑन की जगह लिखना है नो। क्योंकि देखो, जो हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास के। सपोज करो मेरे पास मेरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आ गई आई, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। हमें पता है जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं वो मॉलिक्यूलर मासेस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। तो यहाँ पे देखो, पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आ जाएगी मेरे पास के बाय एम टू, और दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आ जाएगी मेरे पास के बाय एम टू। अब पहली जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तो मैं इसको एम ओ बोल देता हूँ। जो दूसरे वाली हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तो इसको मैं एम एन बोल देता हूँ। ऑब्जर्व्ड वाले की वैल्यू आ गई के बाय एम ओ, और नॉर्मल वाली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू आ गई के बाय एम एन। तो ये दोनों वैल्यूज़ मैं आई में पुट कर देता हूँ, के बाय एम ओ
के बाय एम एन, कॉन्स्टेंट से कॉन्स्टेंट कैंसिल हो जाएगा, एम एन ऊपर आ जाएगा और ओ नीचे आ जाएगा। इसीलिए यहाँ पे देखो, जब मैंने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का फॉर्मूला डिफाइन किया था तो ऑब्जर्व्ड बाय नॉर्मल था, अब मैंने मॉलिकुलर मासेस के टर्म में वेंट ऑफ फैक्टर को डिफाइन किया तो वो क्या आ रहा है, नॉर्मल बाय ऑब्जर्व्ड आ रहा है। तो ये हमारे पास हमारे वेंट ऑफ फैक्टर का फॉर्मूला होता है। जो हमारे सॉल्यूशंस होते हैं वो कब वेंट ऑफ फैक्टर को इंपॉर्टेंस देंगे, मतलब कब कब हमें वेंट ऑफ फैक्टर की ज़रूरत पड़ती है, जब हमारा सॉल्यूशन आइडियल नहीं होगा। अगर हमारा सॉल्यूशन आइडियल है फिर तो पुराने वाले फॉर्मूला काम कर जाएंगे। आइडियल सॉल्यूशन हम जनरली उसको बोलते हैं जो सॉल्यूशन हमारा हाईली डाइल्यूटेड होता है। लेकिन अगर हमारा सॉल्यूशन हाईली डाइल्यूटेड नहीं है, मतलब आइडियल नहीं है, नॉन आइडियल है, तब हमें हमारे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के फॉर्मूला में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी, वेंट ऑफ फैक्टर को वहाँ पर इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। दूसरा, हमें वेंट ऑफ फैक्टर की कब ज़रूरत पड़ती है, जब हमारा सॉल्यूट जो है वो सॉल्यूशन के अंदर या सॉल्वेंट के अंदर एसोसिएशन या डिसोसिएशन शो करेगा। तो ये हमारे पास हमारी कंडीशंस थी। वेंट ऑफ फैक्टर फिर आपने यूज़ किया हमारे मॉलिकुलर मासेस को करेक्ट करने के लिए, तो हमारी जो इक्वेशंस थी वो कुछ इस तरीके से मॉडिफाई हो जाती हैं। देखो, जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है वो हो जाएगा पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट इज इक्वल टू वेंट ऑफ फैक्टर इंटू एक्स टू। तो वेंट ऑफ फैक्टर को हमें राइट हैंड साइड में अमाउंट के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सेम यहाँ पे पाई इज इक्वल टू आई इंटू एन इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा डेल्टा टी बी इज इक्वल टू वेंट ऑफ फैक्टर इंटू के बी इंटू एम, और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू एम। तो ये वाले रिलेशन अब हमें यूज़ करने पड़ेंगे हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की करेक्ट वैल्यू निकालने के लिए। फिर किसी ने बोला कि सर हम ये आई की वैल्यू कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। देखो, आई की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें दो ही कंडीशंस पता हैं। आई की वैल्यू हमें तब कैलकुलेट करनी पड़ेगी जब सब्सटेंस हमारा या तो एसोसिएशन में चला जाएगा या डिसोसिएशन में चला जाएगा। तो वो दोनों केसेस को मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन, यहाँ पे मैं वेंट ऑफ फैक्टर भी कैलकुलेट करूँगा और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ एसोसिएशन भी कैलकुलेट करूँगा। सबसे पहले मैं क्या कैलकुलेट कर रहा हूँ, कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन देखो क्या होता है, सपोज करो मेरे पास 100 मॉलिक्यूल्स हैं, 100 मॉलिक्यूल सॉल्यूट के थे जो मैंने सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व किए सॉल्यूशन बनाने के लिए, तो मेरे सॉल्यूट के 100 मॉलिक्यूल्स में से 30 मॉलिक्यूल जो हैं वो डिसोसिएट हो गए। तो अगर 30 मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो गए तो मेरे पास डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आएगी टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिसोसिएटेड डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। मेरे कितने मॉलिक्यूल डिसोसिएट हुए, 30 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मेरे पास टोटल कितने मॉलिक्यूल थे, 100। तो ये जो रेशो होती है हमारी, इसी रेशो को हम क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। वहाँ पे मैंने 100 मॉलिक्यूल्स का एग्जांपल दिया, हमारे पास कंपाउंड के अंदर लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो वहाँ पे फिर मॉलिक्यूल्स वर्ड बोलना अच्छा नहीं रहेगा, हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जनरली मोल्स वर्ड को। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की हमारे पास क्या डेफिनेशन आएगी, रेशो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। जैसे सपोज करो मेरे पास टोटल मोल थे 5 मोल सॉल्यूट में से एक मोल जो है सॉल्यूट का वो डिसोसिएट हो गया, तो 1/5 मेरे पास क्या आ जाएगी, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आ जाएगी। अब देखो, किसी रिएक्शन के बेसिस में मैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को कैसे कैलकुलेट कर सकता हूँ, आप सबसे पहले एक सिंपल एग्जांपल देखो। मेरे पास एक जनरल रिएक्शन है, ए चेंजेस टू बी प्लस सी, ये एक जनरल रिएक्शन है। अभी आप सपोज करो कि रिएक्शन अपनी स्टार्ट नहीं हुई, रिएक्शन अगर अपनी स्टार्ट नहीं हुई होगी, यानी कि मैं इनिशियल स्टेट की बात कर रहा हूँ, रिएक्शन अभी स्टार्ट ही नहीं हुई, इसका मतलब बी और सी प्रोडक्ट तो हमारे अभी बने ही नहीं होंगे, तो प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन आ रही है 0-0, और रिएक्शन क्योंकि अभी स्टार्ट नहीं हुई है तो रिएक्टेंट हमारा जो होगा वो कंप्लीट अमाउंट के साथ प्रेजेंट होगा, तो उसकी कंसंट्रेशन मैंने कितनी ले ली, 1 ले ली। अब उसके बाद क्या हुआ, इनिशियल स्टेट को रिप्रेजेंट करने के बाद मैंने मेरे प्रोसेस के अंदर डिसोसिएशन स्टार्ट करवा दी कि हमारा जो ए सब्सटेंस है वो बी और सी के अंदर डिसोसिएट हो रहा है। तो इस केस में फाइनल स्टेट देखो क्या आएगी, सपोज करो हमारे ए सब्सटेंस की जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो अल्फ़ा है, तो हमारे अल्फ़ा मॉलिक्यूल जो हैं वो डिसोसिएट हो रहे हैं। टोटल कंसंट्रेशन 1 थी, उसमें से अल्फ़ा डिसोसिएट हो गए। जैसे मैंने आपको बोला कि मेरे पास 100 रुपये थे, तो मैंने उसमें से 30 रुपीज़ जो हैं वो खर्च लिए, तो मेरे पास कितने बचेंगे, 70। तो वह 70 आपने कैसे कैलकुलेट किया होगा, 100 माइनस 30 करके ना। तो मेरे पास टोटल कंसंट्रेशन थी 1,
वन में से अल्फा मॉलिक्यूल जो है वो डिसोसिएट हो गए, तो मेरे पास कितने मॉलिक्यूल बचेंगे, वन माइनस अल्फा बचेंगे। अब देखो जितने मॉलिक्यूल डिसोसिएट हुए हैं उतने ही हमारे पास बी और सी कंपाउंड बनेंगे ना। अगर 30 मॉलिक्यूल डिसोसिएट होते तो 30 ही बी बन जाते और 30 ही सी बन जाते। तो यानी कि अगर हमारे अल्फा मॉलिक्यूल डिसोसिएट हुए हैं तो बी और सी भी कितने बनेंगे, अल्फा अल्फा ही बनेंगे। अब वेंट ऑफ फैक्टर आई हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के फाइनल स्टेट में डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के इनिशियल स्टेट में। फाइनल स्टेट में टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या आएंगे, ए के हैं वन माइनस अल्फा और बी और सी के थे अल्फा और अल्फा, वो मैंने जोड़ दिए। इनिशियल स्टेट में हमारे पास कितने नंबर ऑफ मोल्स थे, प्रोडक्ट के तो थे ही नहीं ना, जीरो जीरो, रिएक्टेंट के वन थे तो वन प्लस जीरो प्लस जीरो हमारे पास आ जाएगा वन। दोनों को मैं डिवाइड कर दूंगा तो आई की वैल्यू मेरे पास आ गई है वन प्लस अल्फा, जब हमारी रिएक्शन में दो ही मॉलिक्यूल्स की डिसोसिएशन हो रही है। अब देखो जरूरी तो नहीं है ना कि हर एक रिएक्शन में हमारा एक मॉलिक्यूल जो होगा वो दो ही पार्ट्स में डिवाइड करेगा, हो सकता है कि वो तीन पार्ट्स में डिवाइड हो जाए, चार में डिवाइड हो जाए, या पाँच में डिवाइड हो जाए, या पचास में डिवाइड हो जाए। तो हमें इसका एक जनरल फॉर्मूला भी पता होना चाहिए, तो वो जनरल फॉर्मूला मैंने नीचे बताया। देखो इन जनरल हमारा ए कंपाउंड जो है सपोज करो वो एन पार्ट्स में डिसोसिएट हो गया, ठीक है। अब इनिशियल स्टेट में कंसंट्रेशन थी वन और यहाँ पे कंसंट्रेशन जीरो, फाइनल स्टेट में क्या हुआ, हमारे अल्फा मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो गए और अल्फा मॉलिक्यूल डिसोसिएट हुए तो यहाँ पे अल्फा मॉलिक्यूल ही जो है वो फॉर्म हो गए होंगे। लेकिन अल्फा के आगे मैंने क्या किया, एन मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि अल्फा मॉलिक्यूल डिसोसिएट हुए वन मोल के लिए, यहाँ पे कितने मोल्स हैं, एन मोल्स हैं, तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो फाइनल स्टेट में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिसोसिएटेड आएंगे वो कितने आएंगे, एन अल्फा। तो बाद में हमने यही किया, आई की वैल्यू निकाली, टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन, तो आई की जनरल वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, वन प्लस ब्रैकेट एन माइनस वन ब्रैकेट इंटू अल्फा। यहाँ पे मुझे एन की वैल्यू क्या पुट करनी है, मेरा सब्सटांस जितने भी कंपाउंड्स में डिसोसिएट हुआ करेगा, फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूँ कि मेरे पास कोई सब्सटांस था ए, वो डिसोसिएट हो गया बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई में, मतलब चार कंपाउंड्स में डिसोसिएट हुआ, तो एन की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, फोर आ जाएगी। तो इसी तरीके से मेरी एन की वैल्यू एडजस्ट हो जाएगी। वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू मैंने निकाल ली और इसी इक्वेशन को सॉल्व करके मैं क्या कर सकता हूँ, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी निकाल सकता हूँ। ये वन प्लस का है, यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा तो आई माइनस वन, एन माइनस वन अल्फा के साथ डिवाइड में था तो वो लेफ्ट में आके क्या हो जाएगा, सॉरी मल्टीप्लाई में था तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो मेरे पास डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, आई माइनस वन डिवाइडेड बाय एन माइनस वन। तो ये हमारे पास हमारा केस था डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट करने का। नेक्स्ट हमारे पास आ गया है डिग्री ऑफ एसोसिएशन। ये जो आप ऊपर वाला स्टेप देख रहे हो इसमें मैंने बस कुछ नहीं किया, जो हमारे वेंट ऑफ फैक्टर की डेफिनेशन थी ना, नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट बाय ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर वेट, वो आई की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी है, तो वो आप पुट करके सॉल्व कर सकते हो, अगर कोई दिक्कत आएगी तो पूछ लोगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा डिग्री ऑफ एसोसिएशन की कैलकुलेशन। अब देखो जैसे हमने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट किया था बस उसी तरीके से हमें डिग्री ऑफ एसोसिएशन भी कैलकुलेट करना है, बस थोड़ा सा डेफिनेशन के अंदर डिफरेंस आ जाएगा। क्या डिफरेंस आएगा डेफिनेशन में, देखो जैसा मैंने आपको बोला भी यहाँ पे कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिसोसिएटेड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, वो था हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो यहाँ पे हम डिसोसिएटेड की जगह क्या बोल देंगे, एसोसिएटेड। तो इट इज़ डिफाइंड एज फ्रैक्शन ऑफ टोटल सब्सटांस विच एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ एसोसिएटेड मॉलिक्यूल। यानी कि अल्फा की वैल्यू आ गई, अब ये अल्फा एसोसिएशन के लिए, टोटल नंबर ऑफ मोल्स एसोसिएटेड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन। तो डिसोसिएशन और एसोसिएशन दोनों में क्या डिफरेंस है, जब हम किसी सब्सटांस की डिसोसिएशन करवाते हैं तो हमारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज हो जाते हैं, और जब हम एसोसिएशन करवाते हैं तो हमारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिक्रीज हो जाते हैं। सपोज करो मेरे पास मेरे 30 मॉलिक्यूल्स थे, मेरे 30 मॉलिक्यूल जो हैं वो एसोसिएशन शो कर रहे हैं, और एसोसिएशन शो करके वो ट्राई एटोमिक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। मतलब पहले मेरे पास क्या थे, 30 एटम्स अलग अलग थे, अब वो क्या कर रहे हैं, ट्राई एटोमिक मॉलिक्यूल बना रहे हैं, मतलब एक मॉलिक्यूल में तीन एटम आ रहे हैं। तो ऐसे कितने मॉलिक्यूल फिर मैं बना पाऊंगा,
एक मॉलिक्यूल में आ रहे हैं 3 एटम, मेरे पास हैं 30 एटम, तो मेरे पास टोटल कितने मॉलिक्यूल बनेंगे? 10 मॉलिक्यूल बनेंगे। तो पहले नंबर ऑफ पार्टिकल्स 30 थे, एसोसिएशन होने के बाद नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने रह जाएंगे? 10 रह जाएंगे। मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स चेंज हुए, जिसकी वजह से हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है और जिसकी वजह से हमारे सब्सटेंस का ऑब्जर्व जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा या चेंज हो जाएगा। तो ये हमारे पास हमारा कंसेप्ट है। देखो अब मैं आपको एसोसिएशन के लिए एक जनरल रिएक्शन बता रहा हूँ। जैसे सपोज करो मेरे पास एन एटम्स थे अलग अलग ए के, और वो आपस में कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बना रहे हैं एन। अब देखो यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप कितने मॉलिक्यूल, कितने एटम्स जोड़ के मॉलिक्यूल बना रहे हो। जैसे मैंने 2 एटम्स को जोड़ा तो यहाँ पे आ जाएगा 2A changes to A2, मतलब डायटोमिक मॉलिक्यूल बन जाएगा, जिसे आप डाइमर भी बोलते हो। अगर आप 3 एटम्स को जोड़ोगे तो यहाँ पे आ जाएगा A3 ट्राइमर बन जाएगा। अगर आप 4 एटम्स को जोड़ोगे तो A4 आ जाएगा, टेट्रामर बन जाएगा। तो ये हमारे पास हमारा केस है। देखो अब यहाँ पे इनिशियल स्टेट में मैंने कितने मोल्स लिए? 1, और ये अभी बना ही नहीं है तो इसके मोल्स हैं 0। फाइनल स्टेट में क्या हुआ, अल्फा मॉलिक्यूल हमारे एसोसिएट हो गए, तो जो एसोसिएट हो गए वो माइनस हो जाएंगे। जितने मॉलिक्यूल हमारे एसोसिएट हुए वो यहाँ पे आ जाएंगे और ये टर्म हमारी एन से डिवाइड हो जाएगी। अभी मैंने बताया था ना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने बने हैं, ये कैलकुलेट करने के लिए हमें हमारे जो भी एटम्स के नंबर ऑफ जो भी हमारे मॉलिक्यूल के नंबर ऑफ एटम्स आ रहे होते हैं वो टोटल नंबर ऑफ एटम्स से डिवाइड करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे भी मुझे क्या करने पड़ेंगे, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड करने पड़ेंगे। तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन, यानी कि 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई एन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बिफोर डिसोसिएशन। डिसोसिएशन से पहले कितने हैं, 1 प्लस 0 1 ही है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 माइनस i इंटू n बाई n माइनस 1। ये मैंने कैसे सॉल्व किया, n एलसीएम लेके सॉल्व किया। आप इसको सॉल्व करोगे, अगर नहीं होगा तो मुझे बताओगे, मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा। I की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास बाय ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास। तो ये भी वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ और मेरे पास अल्फा के लिए यानी कि डिग्री ऑफ एसोसिएशन के लिए ये रिलेशन आ जाएगा। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था सॉल्यूशन चैप्टर का। इसके रिगार्डिंग जो न्यूमेरिकल्स हैं वो मैं आपको कल करवाऊँगा और चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। थैंक यू।